अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहचान है पाकिस्तान न्यूज़। सऊदी अरब बज़्म शाहीन की जानिब से तकरीब सजाई गई, जिसमें बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी, जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान के सकाफती रंगों को उजागर करने समेत मिली नगमे गा कर वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। देखते हैं रियाज से जकीर अहमद भट्टी की रिपोर्ट। सऊदी अरब दारुल हुकूमत रियाज में बज़्म शाहीन की जानिब से मुनाकिदा तकरीब में सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक खसूसी तौर पर शरीक हुए, जबकि बच्चों की बड़ी तादाद के साथ मर्द व खवातीन भी शरीक थीं। इस मौके पर बच्चों ने चारों सूबों के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंगों को उजागर किया। वहीं ड्राइंग समेत दीगर मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और वतन से मोहब्बत के गीत गाकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। बज़्म शाहीन के सदर महमूद सैयद और दीगर अहदेदारान का कहना था कि बज़्म शाहीन गुज़िश्ता कई सालों से दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानी बच्चों में तामीर पाकिस्तान के हवाले से आगाही और उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए काम कर रही है। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम बच्चे हमारे रोशन मुस्तकबिल का मेमार हैं, जिन्होंने मुस्तकबिल में मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में जज्बे हुबुल वतनी को अच्छे अंदाज में उजागर किया जाए, जिसके लिए बज़्म शाहीन मुबारकबाद के हकदार है। तकरीब में बच्चों में अवार्ड और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए।